हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सरफराज। तो दोस्तों, आज मैं आपको विज़िट कराने वाला हूँ बलूचिस्तान का, ठीक है। अभी मैं आया हूँ, अभी इस वक्त जो मैं हूँ वो हाईवे पे हूँ। सामने आप देखेंगे तो वो हाईवे नॉर्दर्न बाईपास है, और अब यहाँ से हम जाएंगे बलूचिस्तान। तो अब जाते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पर ऐसी क्या नई चीज़ हमें नज़र आती है, और उसके बाद जो है वहाँ पर नाश्ता करेंगे, और उसके बाद फिर अगर ऐसा कुछ भी यूनिक नज़र आता है हमें तो वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। गाइस, अब जो है मुझे लग गई है प्यास, तो यहाँ पर आ गए होटल पे। यहाँ से ले लेते हैं फ़िलहाल जूस वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो भाई यहाँ से लेते हैं जूस। क्या बोला इन्होंने? कौन सी जबान में? पश्तो में। अरे पश्तो से पहले बताते ना, मैं पश्तो में बात करता संग है, तो भाई से आगे नहीं आता मुझे। है तुम्हारा को नहीं आता है? शर्मिंदा किया हुआ? शर्मिंदा किया? अरे तुम्हारा को पश्तो नहीं है, शर्मिंदा किया। तो चले गाइस, अब हम दोबारा निकल पड़े हैं बलूचिस्तान के लिए।
तो गाइज अभी इस वक्त हम बलूचिस्तान से करीब और कराची से भी करीब, मतलब ये जो एरिया है वो बलूचिस्तान का एरिया भी पड़ता है और कराची का भी, क्योंकि हम बीच में टूल प्लाजे के, और यहाँ पे हमें एक ये चीज़ दिखी है गुंबद, जो कि प्लास्टिक में है या फिर किस में है देखते हैं। और इसके साथ साथ ये देखें, अगर आप यहाँ से कोई भी गुंबद बनवाना चाहे तो वो इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकता है। और यहाँ पे फुटबॉल चौरंगी वगैरह के लिए जो बनाई जाती है वो है, और ये देखें उस्ताद को, तो यहाँ पे ये तमीज़ वगैरह तैयार होती हैं। हाँ, आपने बकरी लेना है ना, बकरी छोड़े ये ले लें, इसे क्या कहते हैं, बुल कहते हैं ना मेरे ख्याल से, बुल बुल बुल, हाँ ये ले लें, काला बुल काला भैंसा। और ये बनमानो आपसे काफी बड़ा है, इसके लग रहा यार। इसके कंधे पे बैठ के दिखाए, कंधे पे बैठ के दिखाए। और ये है एलिफेंट, देखिए माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, जो पार्क वगैरह में होते हैं ना वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी। अब देख सकते हैं मेरे कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा, मुझे दूर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखें हाथी, ये उनके हाथी। तो गाइस अभी हम बलूचिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं, और अब हमारा प्लान था कि हम जो है वो बलूचिस्तान में ही यहाँ पे हम किसी होटल में नाश्ता करें। तो फिलहाल हम देख रहे हैं, आप बैग पे देख सकते हैं ये होटल है, तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं या फिर आगे कहीं करते हैं, गाड़ी राइड करते हैं उस्ताद, देर ढूँढ रहे हैं। हाँ उस्ताद कहाँ जाना है, तो फिर यह होटल यहीं बैठेंगे। चलिए ठीक है, तो हम यहीं पर नाश्ता करने वाले हैं, और फिर पहले नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। आपकी ये उस्ताद बैठ गए, ये असगर भाई। तो भाई ये हमारा पराठा बनना तैयार हो गया, तैयार हो रहा है। और तो भाई हमारा जो ये पराठा वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या है ये? चीले। चीले। सुबह सवेरे स्टार्ट होता है, फिर 9 बजे तक फिर मुंह बंद करता है, फिर सारा दिन माइक चुप हो, माइक दीजिए माइक। क्या करता है ये? ये जल है, जल ये ऐसी परिंदे है, हम लोगों ने अफगानिस्तान से लाया। कहाँ से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कितने का ये? 3,000। 3,000 रुपये का? कितने महीने का ये? इधर नहीं मिलेगा आसपास। फिर से है कितने महीने का ये? हो गया इसका 1 साल हो गया हमारे पास। मैंने बोला पठान जहाज चलाएगा, ठम्बम बनाएगा, लेकिन उर्दू नहीं बोल सकेगा। उर्दू नहीं बोल सकेगा, हम तो हफ्ते हफ्ते इंग्लिश है। इंग्लिश है ना? हाँ, अंग्रेजी हफ्ते, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, 5 मिनट पहले सीखना पड़ेगा इसको। हफ्ते हफ्ते, हाँ हफ्ते हफ्ते को सब्सक्राइब, हफ्ते हफ्ते को सब्सक्राइब करो। हाँ अच्छा, और लाइक करो, लाइक करो, हफ्ते को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ लाइक भी करो, लाइक करो और शेयर भी करो, शेयर भी करो भाई। हाँ दबा भैया, मुर्गी के जगह अंडे आ गया होगा, लाइक कीजिए, ये तले फ्राई पठान है साहेब, इसका बंदा उसका गुलाम है साहेब। वाह भाई वाह, इसका नाम मोहम्मद है, इसका नाम है अल्लाह, इसका बंदा उसका गुलाम है, हम पठान है, इसीलिए दुनिया में पहचान है हम। ये लो मेरे भाई, शुक्रिया भाई, जितना भी लाइक कर सकते हैं इसकी खातिर लाइक करो, जितना भी ये लाइक करो। तो नाज़रीन इस वक्त मौजूद है बलूचिस्तान हब शॉपिंग हब मॉल से, ये है हब मॉल, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें मिल रही हैं।
ये है बलोचिस्तान हब मॉल। हब मॉल में हम एक शॉप में जहाँ से हम जूस वगैरह ले रहे हैं। सही रख लिया अंदर, ये भी रख लो, सब रख लो। तो गाइस हमें यहाँ पे एक अली अली हैदराबादी के फैन हमें मिले। हाँ ये फैन मिले, बड़ा फैन है, चांदिया होता है, चांदिया नहीं है और सिंधी जो टिकटॉक जो फेमस है चांदिया का, मंसूर चांदिया जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त है मंसूर चांदिया का भाई। गाला 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 गाला। अली हैदराबादी को कब से जानते हो आप? ये भाई हमारे खड़े शबीर भाई। हाँ ये है मंसूर चांदिया के मतलब ऐसे भाई की तरह दोस्त है, उनकी सेवा ना खास है। चंगेज बलोच का दोस्त है, ठीक है। कौन सी वीडियो आपको पसंद है? चंगेज बलोच। कौन सी वीडियो पसंद है उसकी? हमारी भी उसकी वीडियो पसंद है, बलोची जालो मारता है। बलोची बलोची गाना आता है? नहीं आता यार। अरे यार कोई तो गा दो यार। गाना नहीं आता है हमारे को हम लोग। मंसूर चांदी बारे में बता। कोर्ट तो अजय खानू ना, मंसूर चांदी तो चला लाइव करेगा। वो हमारे को बहुत दोस्त है हमारा। दर्शन शर्मा रहा है इसके ख्याल में, मंसूर चांदी मुझे अली हैदराबादी का दोस्त होके भी शर्मा रहा है। अली हैदराबादी का ये मंसूर चांदी का, मैं अली हैदराबादी का नहीं भाई, जंगेज बलोच का। तो गाइस ये था बलोचिस्तान और सामने मार्केट है, ठीक है। आपको मैं अगर जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखें, ये पूरी मार्केट है और यहाँ पे रिक्शा वगैरह सेम कराची की तरह है, बस रास्ते में थोड़ा सा फ़र्क है जो कि मैंने रास्ते दिखाए आपको। बाकी यहाँ के लोगों से भी बात की है तो अच्छा लगा, यहाँ पे आके लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त हमें बलूचिस्तान में और मेरे साथ जो है दो दोस्त बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं बलूचिस्तान में, मैं आया तो मैं सोचा कि चले बलूचिस्तान की विज़िट करवा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें। तो साथ साथ हम इनके लिए भी वीडियोस बनाते हैं और आप इनको भी देखें, इनकी लाइफ के बारे में भी जानते हैं कि इनकी लाइफ इतनी मुश्किल में क्यों है और ये इस तरह काम क्यों करते हैं। बेसिकली ये काम ये करते हैं कि लोगों के शूज़ पॉलिश करते हैं और 30 रुपये चार्ज करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि यार ये पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्या मजबूरी है इनकी। तो इनसे पूछते हैं, क्या नाम है? ईसान। तुम्हारा नाम क्या है? ईसान। कितने साल के हो? 13। 13 साल के हो, क्या काम करते हो? पॉलिश। पॉलिश करते हो, क्या पॉलिश? बूट पॉलिश। बूट पॉलिश करते हो, कब से कर रहे हो ये? मेरे को 3 साल हो रहा है। 3 साल हो गए, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई पहले करते थे, निकल गए। हाँ पहले पढ़ाई करते थे फिर निकल गए, कोई टाइम पढ़ाई करते थे निकल गए। किसने निकाला? घर वाले को। अच्छा पहले कोयटा में रहते थे, कितने साल रहे हो वहाँ पे? हाँ दो तीन साल। वहाँ नाम क्या है? ऐसा। ऐसा नाम है, कितने साल के हो? कितने साल के हो? 10। 10 साल के हो, कब से कर रहे हो ये काम? यही दो तीन महीने से। दो तीन महीने से, क्यों? उसके साथ। मेरे बाबा कहाँ होते हैं? बाबा काम करते। बाबा काम करते, क्या काम? शटर के। क्या? शटर का। अच्छा तो बाबा जब काम करते तो तुम्हें क्या ज़रूरत काम करने की? ऐसे ही काम करते हैं। ऐसे ही काम करते हो, तो पढ़ाई कर लो ना बेटा, पढ़ाई कर लो एक अच्छा पढ़। कब से? ऑनलाइन पढ़ तो करेंगे, अबू ने बोला बोलते तेरे को स्कूल में लगाएगा। स्कूल में लगाएगा। तो कितने बहन भाई हो? 3 बहन है 5 भाई। 3 बहन है और 5 भाई है। तुम बड़े हो या बहनें छोटी हैं? बहन मेरे से बड़े हैं, बहन शादीशुदा है। अच्छा तो नाज़रीन देखा आपने यहाँ पे जो मुझे दो मिले थे, एक एहसान है और एक फैज़ान। एक एहसान है और एक फैज़ान है। तो मैंने इनसे बात की है तो अच्छा लगा इनका मतलब इनसे बात करके, क्योंकि तो अब मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है इनसे ज़्यादा पूछना मतलब इतने डिटेल्स में। तो जितना मुझसे पूछा जा सका मैंने पूछा है इनसे। तो मुझे पर्सनली मतलब खुद नहीं अच्छा लगता है यार मैं इनसे इनकी गुरबती के बारे में ज़्यादा सवाल करूं और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो स्टडी का उन्होंने बताया कि स्टडी इंशाल्लाह ये दोबारा फिर से करेंगे बहुत जल्द। तो ये कैसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करें। और तो गाइस अब हम जो है वो बलोचिस्तान से वापस आ गए और अभी जो है वो हम अभी कहाँ पर हैं? हम लोग अभी नारदन रोड पर, अभी हम नारदन रोड पर यहाँ पे चाय पीने रुके
और वहाँ से बाकी वीडियो शूट इस वजह करने की क्योंकि वहाँ पे हमारे पीछे लग गए थे उस्ताद के दोस्त। कौन थे वो लोग? दोस्त वो फकीर लोग होते, फकीर लोग मांगने वाले, मोबाइल मांगने वाले वो थे। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ और हम सही सलामत जो है वो अब यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर को। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा कराची टू बलूचिस्तान। हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और वीडियोस आपको आसानी मिल सके और लाइक करके अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट कॉन्टेंट में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।